वेलकम बच्चों, आज आपको हिंदी दसवीं के हिंदी का अध्यापन कराएंगे। शुरुआत में हम सबसे पहले हिंदी पद साहित्य के इतिहास का अध्यापन करेंगे। अब पद्य होता क्या है? पद्य का अर्थ होता है कविता या काव्य, और साहित्य का मतलब होता है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। किसी भी देश के साहित्य को जानने के लिए वहाँ की जनता या निवासियों की मनोवृत्तियाँ उस देश के साहित्य को प्रतिबिंबित करती हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन इतिहास के काल विभाजन का आधार एवं उद्देश्य क्या था। पहला, विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं के साथ ही विद्वानों द्वारा तमाम आलोचनात्मक व शोधपरक ग्रंथों और रचनाओं व रचनाकारों का परिचय देने वाली अनेक कृतियों को भी काल विभाजन और नामकरण की आधार सामग्री के रूप में लिया गया। समग्र साहित्य को खंडों, तत्वों, वर्गों आदि में विभाजित कर अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में काल विभाजन सहायक रहा। अंग, उपांग तथा प्रवृत्तियों को समझने एवं उसमें स्पष्टता लाने के लिए भी काल विभाजन आवश्यक रहा और इसके लिए काल विभाजन सहायक रहा। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एक चार्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको चार भागों में बांटा गया। पहला, आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा, पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल कहते हैं। और चौथा, आधुनिक काल या गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना जाता रहा है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया। वीरगाथा काल, जो सन 10050 से 1375 तक चला। भक्ति काल, 1375 से 1700। रीतिकाल, 1700 से लेकर 1900। और गद्यकाल या आधुनिक काल, 1900 से लेकर वर्तमान मतलब आज तक चल रहा है। काल विभाजन को सर्वथा नवीन रूप तथा कालों की संख्या सीमित थी। अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत स्पष्ट तथा तर्कसंगत काल विभाजन था अधिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय वीरों से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया था। राजनीतिक दृष्टि से यह युग उथल पुथल से भरा हुआ था। देशी राजा अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वे विदेशियों के आक्रमण का प्रतिकार करने में असमर्थ होते जा रहे थे, जबकि विदेशी आक्रमण निरंतर हो रहे थे। समाज में वैमनस्य की भावना परिलक्षित हो रही थी। कवि राजा का आश्रय प्राप्त कर राज दरबारों में रहकर कविता कह रहे थे। उन कविताओं का मुख्य विषय वीर भावनाओं पर केंद्रित था। अधिकांश कवि अपनी काव्य रचना आश्रयदाता राजा का युद्ध में उत्साह वर्धन करने हेतु कर रहे थे। ये काल हिंदी का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल का नाम भी दिया गया। इस काल में वीरों के जीवन पर आधारित गाथा प्रधान कविताएं रची गईं। इन कविताओं के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा गया। इन कविताओं को रचने वाले चारण और भाट हुआ करते थे। ये आश्रयदाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन कर अपनी कविताओं में करते थे, इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा गया। इस युग में प्राकृत एवं
अपभ्रंश में भी कविताएं रची गई, इसलिए इसे अपभ्रंश काल की भी संज्ञा दी गई। अब आते हैं आदिकाल की कुछ विशेषताएं थी। तो आदिकाल की विशेषताएं हैं, आदिकाल में युद्धों का सजीव चित्रण था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया, इतिहास के साथ कल्पना का संयोग ऐतिहासिक तथा कोण रहा, श्रृंगार एवं अन्य रसों से भी कविताएं रची गई। प्राकृत अपभ्रंश डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग भी काव्य में बहुत किया गया। अब आते हैं आदिकाल। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके द्वारा रचित ग्रंथ के विषय में देखते हैं। सबसे पहले कवि चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को लिखा। दूसरा नरपति नाल, इन्होंने विसल देव रासो ग्रंथ लिखा। जगनिक परमाल रासो, जिसे आलाखंडी भी कहा गया। शारंगधर हमीर रासो, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा। और खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका आदिकाल के प्रमुख रचनाएं रहीं। अब दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल तक आते आते राजाओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भारत पर मुगल शासन स्थापित हो गया था। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में संकट के बादल घिरने लगे। इस अवस्था से देश और समाज को उबारने के लिए संतों और कवियों को ईश्वर ही एकमात्र दिखाई दिया। वीरता और श्रृंगार को छोड़कर कविता भक्ति शरणागति और राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख हो गई। कविता में जगत नियंता, जीवन और मानवता के स्वर गूंजने लगे। इसी कारण इस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बच्चों, भक्ति काल को भी विभिन्न धाराओं में बांटा गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भक्ति काल को सर्वप्रथम दो धाराओं में बांटा गया, पहले सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। अब आते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, प्रकृति सापेक्ष वर्णन, इस प्रकार ज्ञान और प्रेम का अद्भुत समन्वय जीवन की पूर्णता को स्पष्ट करता है। भक्ति काल का यही मूल संदेश है कि हम समय और परिस्थिति के अनुकूल ईश्वर के स्वरूप को स्वीकारें, प्राणी मात्र के मंगल विधान की कामना करें और अनैतिकता पर नैतिकता की विजय को ही जीवन का उद्देश्य मानें। इष्ट का स्वरूप प्रमुख नहीं होता, बल्कि उसके संदेश मुख्य होते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में इस युग में जिस नीति काव्य की रचना हुई, उसने सामाजिक सदाचरण का मार्ग प्रशस्त किया। नीति काव्य के रचयिता के रूप में रहीम, गिरधर तथा वृंद का नाम इस काल में उल्लेखनीय है। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता आदि के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। अब भक्ति काल के विभिन्न कवि और उनके द्वारा रचित रचनाएं देखते हैं। कवि कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ लिखा। सूर ने सूर साहित्य और साहित्य लहरी, सूर सागर आदि की रचना करी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका इनकी रचना करी। मीरा ने राम गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, रहीम रत्नावली, जायसी ने पद्मावत, जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य रहा। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित,
यह एक खंड काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। रसखान ने सुजान रसखान नामक ग्रंथों की रचना की। अब आता है बच्चों तीसरा काल रीति काल। ये आपको कक्षा दसवीं का है। भक्ति काल और आदि काल आपके कक्षा नौवीं का था, पर आपको दसवीं की कक्षा में चारों काल आएंगे। तो रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। जैसा कि है, रीति का अर्थ है प्रणाली, तरीका, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली आदि। संस्कृत साहित्य में रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना। सर्वप्रथम वामन ने इसे काव्य की आत्मा घोषित किया। यहाँ रीति को काव्य रचना की प्रणाली के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना रीति का अर्थ मान्य हुआ। यहाँ पर रीति का तात्पर्य लक्षण देते हुए या लक्षण को ध्यान में रखकर लिखे गए काव्य से है। इस प्रकार रीति काव्य वह काव्य है जो लक्षण के आधार पर उसको ध्यान में रखकर रचा जाता है। इसका रीति काल का नाम रीति काल क्यों पड़ा? आचार्य शुक्ल का काल विभाजन तत्कालीन कृतियों में परिलक्षित प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है, परंतु कुछ विद्वानों ने रीति काल को अलग अलग नाम दिए हैं। सर्वप्रथम इस युग का नामकरण मिश्र बंधुओं ने किया और इस काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया और डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने इसे रीति युग या अधिक से अधिक रीति श्रृंगार युग माना है। इन नामों से ही दो ही पक्ष प्रबल दिखते हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। रीतिकाल से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई थी। रीति कवित्य रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था। हो सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी कारण इस काल को रीति काल कहना उचित समझा। काव्य रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता है। हिंदी में जो काव्य विवेचन इस काल में किया गया, अब आते हैं रीति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता। रीति काल में अनेक प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः दरबारों में लिखा गया, अतः दरबार की रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बचा रहा। कवियों ने श्रृंगार लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ विद्वान इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार काल कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जा पड़ते हैं। रीति काल में मुक्त काव्य की प्रधानता रही। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिनिया इस काल में बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रजभाषा थी। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानतः श्रृंगार और उसमें भी नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीति परक सूक्तियां भी दिखलाई पड़ती हैं। रही, वृंद, गिरधर की नीति परक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य प्रधानतः दरबारी काव्य है। इस काव्य पर आश्रयदाताओं की रुचियों और कवियों की आश्रयदाताओं से पुकार से पुरस्कार पाने की आशा का प्रभाव है। यह प्रधानतः मुक्तक काव्य है।
नित्य मुक्त कवि दरबारी नहीं है। घनानंद जैसे कवि ने दरबार छोड़कर प्रेम की कविताएं लिखी हैं। इन कवियों ने सहज और स्वाभाविक प्रेम का चित्रण, विशेषता विरह की मार्मिक मनोभूमियों का चित्रण किया है। इसीलिए इनकी कविताओं में सूफियों जैसी विरह की उत्कटता मिलती है। अब देखते हैं रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रीति काल के प्रमुख कवि केशवदास, इनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित, रतन बावली, जहांगीर, जस चंद्रिका। अब कवि भिखारी दास, इनकी रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद्र प्रकाश, रस सारांश आदि। कवि रसनिधि, इन्होंने रतन हाजरा, विष्णुपद, कीर्तन, गीति संग्रह, सत्सय हिंडोला आदि रचना लिखी। कवि कुलपति मिश्र, इनकी रचनाएं संग्राम सार, रस रहस्य, दुर्गा शक्ति और तरंगणी। सुखदेव मिश्र, ग्रंथ रक्षावर्ण। सेनापति कवित रत्नाकर, काव्य कल्प ध्रुव। कवि देव, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, राधिका विलास, प्रेम चंद्रिका आदि। कवि भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रशाल दशक, अलंकार प्रकाश। कवि मतिराम, छंद रस, छंद सार, रसराज, साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार, ललित लला, मतिराम, सत्सई आदि। बच्चों, ये आज अपन ने काल विभाजन पढ़ा, आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल और रीतिकाल। इसको आप अच्छे से वीडियो में देखकर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आगे के वीडियो में आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे।